जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली ये होने वाला है, जो ज्वाइनिंग लेटर आपका आ रहा है, कईयों का आ गया है, कईयों का आने वाला है, दो चार दिन में आपके सभी के पास में ज्वाइनिंग लेटर होंगे। तो ये वीडियो इस बात पर है कि आप सभी को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने। वैसे तो इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया, लेकिन फिर भी आज एक वीडियो फिर से आपको रिपीट देने के लिए, कईयों को कन्फ्यूज रहता है लास्ट में भी, कुछ लोग नए जुड़े उन्होंने वो वीडियो नहीं भी देखा, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे बनेंगे, इसके बारे में ये पूरा का पूरा वीडियो। दोस्तों इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया उसमें बता दिया मेडिकल का, क्योंकि मुझे पता है मेडिकल के कमेंट्स बहुत आएंगे कि सर मेडिकल कैसे होगा, ज्वाइनिंग के टाइम मेडिकल में क्या होगा, किसी को बाहर निकाल देंगे क्या, क्या हमारी ज्वाइनिंग रद्द हो सकती है या ज्वाइनिंग लेट करा सकते हैं। इसकी पूरी डिटेल के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, वो जाके आप देख लीजिए। इसलिए इसमें कमेंट करने से पहले एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए, फिर कमेंट करें। फिर भी कोई शक रह जाता है तो इस वीडियो में कमेंट करें, उससे पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर मैं बाद में कमेंट बॉक्स में आपको बोलूँगा वीडियो देखिए, वीडियो बनाया तो मैं भी अच्छा नहीं लगूंगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए एक बार वीडियो देख लीजिए कष्ट करके, फिर इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए, क्या क्या आवश्यक सामग्री आपके पास में होनी चाहिए, ये पूरी की पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए, तसल्ली से देखिए, थोड़ा सा वक्त निकाल के, दो चार मिनट का वीडियो होने वाला, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, बात की केवल काम की बात करेंगे, उसके अलावा नहीं। पहली बात बता दूं दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है 10th क्लास की मार्कशीट, वो अच्छी होनी चाहिए। दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके पास में होना चाहिए, जब आप ज्वाइनिंग करने जाओ, नहीं तो ग्रुप सेंटर में घुसने नहीं दिया जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर आपके पास में आता है उसकी फोटोकॉपी करा लेना, एक दो फोटोकॉपी करा लेना, ठीक है, दो तीन करा लेना, एक दो नहीं दो तीन फोटोकॉपी करा लेना, वो आपको भी काम आएगा, आगे भी जब मेरी तरह किसी दिन आप भी अपने छोटे भाइयों को मोटिवेशन दोगे तो आपके पास में आपका ज्वाइनिंग लेटर रहेगा, तो उसके लिए भी करा लेना। दूसरा वो आपके काम में भी आएगा, किस काम में आएगा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो ज्वाइनिंग लेटर भी उसकी फोटोकॉपी करा लें। 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास में ओरिजिनल होनी चाहिए, उसकी फोटोकॉपी भी जरूर आप करा लें। अटेस्टेड फोटोकॉपी अगर मांगी, उसमें अटेस्टेड मांगी शायद गजेटेड ऑफिसर से, तो वो आप पढ़ लीजिए, उसमें गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड है तो वो असिस्टेड करा लीजिए 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास में। 12th क्लास की मार्कशीट भी करा लेना, आपकी इच्छा हो तो 12th क्लास की जमा कराना, नहीं तो ना कराना, वो आप पे डिपेंड करता है। 12th से ऊपर तो जरूरी नहीं कराना, मैं आपको पहले ही बताता रहा हूँ, 12th से ऊपर ना कराना, क्योंकि 10th क्लास के पास है तो 12th करा दो तो ठीक है, 12th से ऊपर नहीं कराना। ITI वाले मेरे दोस्त ना कराए तो अच्छी बात है, और कराए तो उनकी इच्छा है, ठीक है, अगर वो कभी बाहर वैकेंसी नहीं देखना चाहते तो करा सकते हैं। इसके बाद में 10th क्लास की मार्कशीट मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद में आपका ज्वाइनिंग लेटर ये आपके पास में होना चाहिए जो ज्वाइनिंग करने जाओ, उसके बाद में आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो चरित्र प्रमाण पत्र ज्वाइनिंग क्षेत्र के साथ में अटैच आया वो बनवाना आपको, वो बिल्कुल करेक्ट बना हुआ होना चाहिए, जिस SDMC और पुलिस दो टाइप के आएंगे तो दोनों के दोनों आपके पास में बने हुए होने चाहिए। उसके बाद में तीसरी चीज़ तीन ये हो गए, चौथी चीज़ आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, इसके बारे में जो मेरे से कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि सर वो वेरीफाई कराया था वो जाति प्रमाण पत्र चल जाएगा या नया जाति प्रमाण पत्र बनाए, तो दोस्तों आपने जब वेरीफाई कराया वो उसकी मेरे को डेट तो पता है नहीं, और जो जाति प्रमाण पत्र होता है उसका एक फिक्स टाइम होता है कि इस टाइम तक ये वैलिड है, उसके बाद में वैलिड नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट, उसका ऐसा कुछ नियम होता है, तो वो आप मेरे को डेट आपकी पता नहीं है ना आपने कब करवाया था, तो अगर वो आप बना सकते हो तो बना लेना, उसके लिए पूछने की जरूरत नहीं है, 150 रुपये का खर्चा हो तो बना लेना, अच्छी बात है ना। मूल निवास आपका वो चल जाएगा, क्योंकि मूल निवास के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और बात मेरे से बार बार पूछती कि सर वहाँ प्रेजेंट एड्रेस और जो परमानेंट एड्रेस है उसमें क्या फ़र्क होता है। देखिए दोस्तों, पुलिस वेरिफिकेशन किस नंबर किस एड्रेस पे होगी, परमानेंट एड्रेस पे पुलिस वेरिफिकेशन होगी आपकी, जरूर नहीं प्रेजेंट एड्रेस, अगर परमानेंट एड्रेस पे पुलिस वेरिफिकेशन होगी आपकी, प्रेजेंट एड्रेस पे नहीं होगी, और हो भी सकती है दोनों जगह हो सकती है, अगर आपका चेंज रहेगा तो दोनों जगह, क्योंकि अब हमारा तो एक ही है तो इसलिए हमारी एक ही हुई, अगर चेंज रहता तो दोनों जगह भी पुलिस वेरिफिकेशन हो सकती है। इसके लिए वहाँ पर परमानेंट एड्रेस भी डाल सकते हो, पुलिस एड्रेस भी, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो भी अलग अलग लिख देना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंक्शन का जहाँ नाम पूछा जाए तो बड़े जंक्शन का लिखना, जो आपके पास में जहाँ पर बड़ी ट्रेनें आने वाली रुकती हो उस जगह का नाम लिखना, इसी चीज़ आप विशेष ध्यान रखना, तो वह फॉर्म भरते समय ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसके अलावा जो ये क्वेश्चन रहता है कि जो एड्रेस पुलिस वेरिफिकेशन होगी वो इस प्रकार से ही होगी दोस्तों, ठीक है, तो इस बात का विशेष ये ध्यान रखना, ठीक है, तो दोनों ये एड्रेस लिख देना, उसके लिए मूल निवास आप लेके देना, प्रेजेंट एड्रेस के लिए कोई प्रूफ नहीं लगता है, तो उसके लिए आपको कोई भी प्रूफ की जरूरत नहीं है। फिर आप मेरे से पूछो कि प्रेजेंट एड्रेस के लिए क्या प्रूफ लगे, उसके लिए कोई प्रूफ नहीं होता है, उसके प्रूफ की कोई जरूरत नहीं होती, उसके प्रूफ नहीं लगता है, ठीक है, तो उसके अलावा मूल निवास हो गया वो तो आपका चल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो वेरीफाई हुआ वो भी चल जाएगा। पैन कार्ड आपका होना चाहिए, पैन कार्ड नहीं बनाया वो दोस्त बना लेना, अप्लाई अभी भी कर दो। आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए,
ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई दूसरे सर्विस करता है, इस सर्विस में आता है, तो उसके पास में नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपकी प्रेजेंट की फ़ोटो ले लेना, 15-20 फोटो ले लेना प्रेजेंट की, मस्त मस्त, ठीक है, शानदार सी फ़ोटो ले लेना, शानदार वाली, अच्छी बैकग्राउंड उसमें लिखा होगा कलर, उस बैकग्राउंड में कलर बैकग्राउंड नहीं लिखा हो तो ब्लू कलर बैकग्राउंड आप ले सकते हो। और तो वो फोटो 5 या 10-15 फोटो आप ले लेना, 16-17 फोटो वो जिस हिसाब से निकालते हैं उतनी फ़ोटो आप ले लेना, क्योंकि फ़ोटो चाहिए। माता पिता का क्या लेना, माता पिता के आप आधार कार्ड की फ़ोटो ले लेना, उनका कुछ नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, उनका केवल डेट ऑफ बर्थ, उनका नाम नंबर लिखा जाएगा, उनका एड्रेस वेड्रेस वो लिखा जाएगा। तो दोस्तों वो इसलिए बता रहा हूँ, उनका डॉक्यूमेंट्स लगेगा नहीं कहीं, लेकिन वहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ उनकी पता होनी चाहिए, उनके फादर्स का नाम पता होना चाहिए, मम्मी के फादर्स का नाम पता होता ना, इस प्रकार से कुछ डिटेलें होती है वो वहाँ भरी जाती है। वो अगर छोटे बहन भाई है तो उनका भी आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले लेना, ओरिजिनल लेने की उनकी जरूरत नहीं, ओरिजिनल केवल डॉक्यूमेंट्स आपके 10th क्लास की मार्कशीट आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र ओरिजिनल होना चाहिए, सेंटर का हो तो सेंटर वाला लेना जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास आपका ओरिजिनल होना चाहिए, इसके अलावा आपका पैन कार्ड ओरिजिनल आप लेके जाओगे, उसमें शक नहीं, बैंक, हाँ एक बैंक नहीं बताया, बैंक आप जिस अकाउंट दिया है वो अकाउंट ओपन करवा लेना, अपने नज़दीकी बैंक में करवा लेना, ताकि आपको अच्छा रहेगा, ठीक है, वो अच्छा मैं बता दिया कैसे रहेगा, क्योंकि आपको अगर कोई भी काम होगा तो छुट्टी में जाओगे तो आप आसानी से करा लोगे, अगर आपके नज़दीक में बैंक होगी, ठीक है, तो वो बैंक अकाउंट आप वहाँ करवा लेना। इसके बाद में उसके अलावा आपके पास में ये सारे जितने मैंने बताया ये ओरिजिनल होने चाहिए, आपकी फ़ोटो आप लेके जाओगे, अटेस्टेड वाला जिन डॉक्यूमेंट्स के लिए अटेस्टेड लिखा हुआ है वो सारे डॉक्यूमेंट आप गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा लें, और सेल्फ अटेस्टेड की वहाँ पे अगर ज़रूरत होगी तो वहीं कर लेना, आपको उसमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर अपना करना, अगर वहाँ बोला जाए कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करो तो वो सेल्फ अटेस्टेड कर लेना। दूसरा, ज्वाइनिंग लेटर जब आइए तो उस समय आपको 5,000 रुपये आपको साथ में उसमें वहाँ लगेंगे 5,000 रुपये, ठीक है, तो वहाँ जमा कराने होते हैं 4,000 रुपये कुछ ऐसे, तो वो लेके जाना, इसलिए 5 मैं आपको बोलता हूँ, 8,000 रुपये अपने पास में लेके जाना अकाउंट में, कैश में लेके जाने की जरूरत नहीं, फ़ोनपे से आजकल सब कुछ हो जाता है, फ़ोनपे गूगल पे, इसलिए अकाउंट में आपके पास में 8-10 हज़ार रुपये होने चाहिए, आपकी लाइट पेडिंग होनी चाहिए, और जो भी जूते वूते रनिंग शूज़ है वो नॉर्मल जो सामान आपका वो ले लेना है, ठीक है, लड़कों के लिए शेविंग किट, लड़कियों के लिए जो उनका जो भी सामान है उनके लिए 1 महीने की ज़रूरत के लिए 1-2 महीने के लिए वो सामान अवश्य ले लें, ठीक है, बाकी वहाँ सामान सब कुछ मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, सब कुछ वहाँ ग्रुप सेंटर में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है तो ग्रुप सेंटर में सब कुछ सामान की सुविधाएँ होती है सब मिल जाता है, लेकिन फिर भी आप अपना लाइट छोटा बेडिंग वेडिंग आप लेके जाना, अपना बैग वैग कैरी करके अच्छे से, और एक रिजर्वेशन जिस डेट की आपकी ज्वाइनिंग उसके हिसाब से ट्रेनें अभी रिजर्वेशन कर लेना मेरे दोस्त, ठीक है, जिस दिन आपके पास ज्वाइनिंग लेटर था जिस डेट की ज्वाइनिंग, ट्रेन सर्च करना, ट्रेन रिजर्वेशन कर लेना, बुक अगर बस से जा रहे हो तो बस रिजर्वेशन कर लेना, कहीं भागा दौड़ी के चक्कर में कुछ नुकसान ना पहुंचा लेना, ठीक है, रिजर्वेशन 1-2 घंटे 4 घंटे पहले का कर लेना, कोई चिंता नहीं समय की, ठीक है, पहले कर लेना, तो इसलिए उसके लिए चिंतित ना होना। फिर वहाँ पर जाके आपको ज्वाइनिंग लेटर से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, वहाँ पर गेट में एंट्री दे दी जाएगी, और ये डॉक्यूमेंट जितने मैंने बताए ये आपको कंप्लीट करके लेके जाना, ये कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे आपके पास में ज्वाइनिंग लेटर था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट 5-6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, बैंक अकाउंट 2 दिन में खुल जाएगा, बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में है ही, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको इकट्ठा करके एक फाइल बना के फाइल में रख के अच्छे से कर लेना है। ज्वाइनिंग लेटर की मैंने बताया फोटोकॉपी ले लेना, सभी जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी की एक एक फोटोकॉपी ले लेना, काम में आएगी, ठीक है, 1-2 पेन जरूर साथ में ले लेना, और साथ में लेके जाना ताकि वहाँ पर काम करने में परेशानी ना हो, ठीक है, आपका ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन ये दोनों साथ में जरूर ले लेना, ब्लैक भी वहाँ चाहिए और ब्लू भी चाहिए, तो ये दोनों ब्लैक और ब्लू दोनों पेन एक एक दो पेन जरूर ले लेना दोस्तों, ठीक है, इन बातों का विशेष ध्यान रखें, ये सामान लेके जाना, इसके अलावा और कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं, अगर कोई भी छूट गया टेंशन तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसके बारे में भी मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। तो जय हिंद, जय भारत।